तो हेलो एवरीवन, मैं उषोम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानो देखे गुरुजी। बच्चे, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ के, जो कि हमारी साइंस है, उसमें चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे ना कि सर पीएच और पीओएच पर क्वेश्चन करा दो, सर इसके न्यूमेरिकल्स करा दो। तो भाई, आज सर आपके सेशन में आग लगाने के लिए आए, लेकिन क्या आप आग लगाने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो कि आप ऐसे क्वेश्चंस को फोड़ के रखने वाले हो? क्या आप तैयार हो कि आज के सेशन को आखिरी तक देखोगे? ये वक्त बताएगा कि आप कब तक देखोगे। लेकिन अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चूंकि ये हमारा सेशन लाइव है, तो हम सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि जो बच्चे आ गए हैं उनका जरा नाम ले लेते हैं। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप डेली शाम को 7:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें। बच्चे देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। तो सेशन को लाइक करते हुए बच्चे आगे बढ़ जाओ और फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो बहुत सारे बच्चे हैं। स्वाति त्रिवेदी हमारे साथ हैं, मानसी राठौर हैं, हिमांशु हैं, सलोनी हैं, अजय हैं हमारे साथ, ठाकुर हैं श्रेष्ठ हमारे साथ, आदित्य पटेल, मणिशंकर, रियाज, हिमांशु, योगेश, सतीश, तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ। तो देखते देखते हम लोग 150 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सभी लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो, फिर मैं स्टार्ट करूं जल्दी से प्लीज, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको मैं क्या ही बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग सेशन को पहले लाइक कर दो, फिर आगे चलते हैं, और शेयर भी कर दो। ये लाइक और शेयर क्यों कराते हैं हम? ताकि जब बच्चों की संख्या और बढ़ेगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ेगी, तो आपका काम है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाना। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, मैं उतनी मेहनत से काम करूंगा, है ना? सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करें। नहीं, अभी नहीं किया आप लोगों ने लाइक, इसको जल्दी से। ओके, अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। सब लोग जल्दी से इसको लाइक करें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे पीएच पर अंकित प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोग आगे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। तो बच्चे, बहुत प्यार के साथ समझना, सेशन में एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन दिल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत मजा आएगा। बीच बीच में आप लोगों के मैं नाम वगैरह लेते रहूंगा और सही गलत मैं पूछता रहूंगा, आप गेस करते रहें। तो बच्चे, आपने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और 10, और उसके बाद यहां पर होता है एच प्लस आयन, ये होता है। फिर उसके बाद आपने पीओएच बराबर पढ़ा था कि माइनस लॉग, बेस में यहां होता है 10, और यहां होता है हमारे पास OH माइनस आयन, ये होता है बच्चों हमारा। ठीक है, तो पीएच और पीओएच के ये दो फॉर्मूले जो कि आपको याद कर लेने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले हैं कि अगर आपको कहीं पर भी लॉग 10 और यहां पर भी 10 दिखाई दे जाए, तो इसका मान 1 होगा। अगर आपको लॉग 10 यहां पर आपको 100 दिखाई दे जाए, तो इसका मान 2 होगा। अगर आपको लॉग 1000 कहीं पर दिखाई दे जाए, यहां 10 लिखा हो, तो इसका मान 3 होगा। क्यों होगा, वो बात की बात है। उसके बाद अगर आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया हो, मान लीजिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया हो, आपको पीएच दिया गया हो और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना हो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग कर लें। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इनको सामने लिख दिया आपके। आगे चलते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन के सामने है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बाद में बोलोगे सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन।
एक बिलियन का पीएच मान ज्ञात करिए, यानी कि अगर आपको इसको पेपर में करना हो क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसा मैं लिख रहा हूं। बोला गया कि एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए जिसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे कि भैया इस क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है और ये दिया है 1×10^-12 मोल प्रति लीटर। अच्छा, किसी को अगर हम एक से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 10^-12 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब उसके बाद आपको पता है कि हमें पीएच ज्ञात करना है, तो आप तुरंत यहां लिख दोगे कि देखो भाई पीएच बराबर जो होता है वो माइनस लॉग बेस में 10 और यहां पे होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये होता है बच्चे, यही होता है ना बच्चे, जल्दी बताओ। संख्या कम नहीं होनी चाहिए आपकी, आंसर बताओगे इसका देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, ठीक है। फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, माइनस लॉग यहां बेस में 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे इसका हो जाएगा मान 10^-12, ये हो गया 10^-12। अब आप ये हटा दो ब्रैकेट, ठीक। अब बच्चे बहुत प्यार के साथ समझना, ये जो आपको 12 दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, तो एक बार माइनस है फिर ये माइनस का 12 आगे आया, फिर लॉग 10 और यहां पर भी 10 और यहां पर भी, लेकिन ये आगे क्यों आया, है ना भाई, मन में यही सवाल आया होगा ये, यार एक मिनट रुको, मैंने इसको साफ किया ना तो ये चला गया था पीछे, समझने का प्रयास करो। ये आगे आएगा 12, तो माइनस 12, फिर उसके बाद ये बचेगा मेरे पास लॉग, ये बचेगा हमारे पास लॉग और यहां पर भी बच्चे 10 और यहां पर भी 10, है ना। ये क्यों 12 आगे आया, कौन सा फॉर्मूला लगा, आपको बगल में लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर तभी आपको नंबर देगा। यहां पे फॉर्मूला लगा है लॉग m की पावर n, ये कहता है कि अगर ऐसा होगा तो n आगे आ जाएगा, ये होगा n log और उसके बाद क्या होगा m, तो इस हिसाब से जो n है इसकी घात जो थी वो आगे आ गई। आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि 10^10 लिखा है, ऐसा नहीं होता है, ये इसका आधार होता है। अब बच्चे ये है 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मान अभी सर ने पीछे बताया था कि देखो एक होता है, तो इसमें हम लोग एक लिखेंगे और हमारा आंसर कितना आएगा 12। इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है 12, देखते हैं हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनिएगा, अब पेपर में दो चीजों का ध्यान देना, आपसे अगर पीएच पूछा गया है, मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, आपसे पीएच पूछा गया हो और आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया हो तो 10 के ऊपर जितनी घात होगी उतना ही आंसर होगा। मैंने क्या कहा, आपसे पीएच पूछा गया हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया हो, जितनी घात होगी उतना ही इसका पीएच होगा। अब कमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बताना पड़ेगा आंसर, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1×10^-5 है तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये इसका पीएच कितना होगा। आपने तुरंत देखा कि अच्छा यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा इसका मान पीएच 5 आ जाएगा, समझ गए। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया कि भैया हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ऐसे भी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, मान लो ये दिया गया हो 1×10^-11। अब आपसे पूछा जाए कि पीएच क्या होगा तो आप तुरंत लिख दोगे कि भैया यहां 11 लिखा है तो इसका आंसर 11 हो जाए, ठीक। अगर पीएच मान 7 से कम आएगा तो सर ये हमारा जो विलयन बनेगा वो अम्ली बनेगा, अगर 7 से ज्यादा आएगा तो जो हमारा विलयन बनेगा वो क्षारी बनेगा, बस इतनी सिंपल सी बात है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, तभी मजा आएगा। बीच में बच्चों की संख्या अचानक से बढ़ गई थी, अभी अचानक से घट गई, ऐसा क्यों होता है, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, मजा ही करना है क्या। चलो आगे देखते, अब ये वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास लिखा है। अब इस क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन आयन सांद्रण नहीं दिया गया, अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
पहले हम देखेंगे कि किसका मान दिया गया। भाई HCl का दिया गया, हमको दिया गया है HCl, तो हम HCl को पहले क्या करेंगे, आयन में तोड़ देंगे, तो H प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा, यानी कि ये हमारा H प्लस आयन का मान ये दिया गया है। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, H प्लस का मान दिया गया है, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का दिया गया, कितना दिया गया, 10^-4 मोल प्रति लीटर दिया गया। अब मुझे बताइए इसका पीएच मान कैसा होगा, कितना आएगा इसका पीएच मान, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो माइनस का लॉग यहां बच्चों बेस में 10 लिखेंगे और 10^ कितना करेंगे हम लोग, माइनस कितना, 4, ये 4 आगे आ जाएगा, है ना, ये 4 आगे आ जाएगा और यहां बचेगा लॉग का 10, लॉग 10 का मान 1, यहां से आया 4, इसका भी पीएच कितना आ गया, 4। बताओ भाई ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 4-4 नंबर के आएंगे और आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बच्चे। बिट्टू मौर्य 4 कह रहे हैं, कोई बच्चा 5 कह रहा है, तो अब मुझे बताओ कि इन्होंने फिर आगे पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये विलयन अम्ली होगा कि क्षारी होगा। अब बच्चे चूंकि ये हमारा जो मान आया था वो 7 से कम आया था, इसलिए जो विलयन आएगा वो कैसा आएगा, अम्ली आएगा, विलयन हमारा क्षारी नहीं होगा, विलयन हमारा कैसा होगा, ये विलयन हमारा अम्ली आएगा। सभी लोग सेशन को लाइक करके आगे बढ़ते जाएं, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर करोगे तुम आप लोग, मुझे सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे और बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी से प्लीज, क्या होगा इसका आंसर। हाँ, जिसको जिसको डाउट्स होते हैं, और देखो डाउट कभी भी यूट्यूब पे क्लियर नहीं हो पाएगा, ये चीज तो ध्यान रखो, है ना। तो अभी हमसे पूछा गया कि एक विलयन का पीओएच मान कितना है, 6, तब इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे बढ़िया सिंपल सी चीज है कि हमसे क्या पूछा गया है, पीएच, तो हम लोग एक फार्मा जानते हैं कि पीएच और पीओएच को आपस में जोड़ने पर 14 आएगा, और पीएच का मान इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है, पीओएच का मान 6 दिया गया है, ये हो गया हमारे पास 14, तो पीएच का जो मान आएगा वो आएगा 14 में 6 घटा लेंगे, और आंसर जो है 14 में 6 जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब मुझे बताओ कि पीएच का मान 8 आ गया, ये विलयन कैसा आएगा, क्षारी आएगा, है ना, आसान क्वेश्चन ये, है ना बच्चे, है ना आसान क्वेश्चन ये, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ और इंग्लिश ये एक हम पोल वॉर खेलने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नों की संख्या 50 रखेंगे, 50 प्रश्न होंगे, और मैं और दिव्यांशी मैम आ रहे हैं लाइव इसी संडे को शाम को 6 बजे, तो शाम को 6 बजे इस संडे को मैं और दिव्यांशी मैम एक साथ लाइव आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम क्वेश्चंस रखेंगे लगभग 50, तो 50 क्वेश्चंस का एक बड़ा सा सेशन होगा, जिसमें हम और मैम मैम को बोलेंगे कि मैथ का आंसर करो, मैं इंग्लिश का आंसर करूंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चले आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, जरा ध्यान से देखो, एक विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है और इसका हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक बताएंगे बाद में, पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ट्रिक बताएंगे बाद में, पहले हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट जैसे पेपर में करना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 4 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस विलयन का मुझे, हमें
OH दिया गया है ना, तो हम इससे POH का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे, POH का मान निकालेंगे। और इसमें POH का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे माइनस लॉग बेस में 10, और यहां पे हम लगाएंगे OH माइनस। ठीक, अब उसके बाद ये आएगा माइनस का लॉग यहां पर 10, ये आ जाएगा OH माइनस, इसका मतलब 10 की घात माइनस का 11। ठीक, आ गई बात समझ में। अब बच्चे ये आएगा आगे, तो माइनस माइनस का 11 आगे आएगा, लॉग यहां पर 10, यहां पर 10, ये आएगा 11 और ये आएगा 1, यानी कि इसका आंसर आया 11। लेकिन अभी ये मेन आंसर नहीं आया है, बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं और लगता है नहीं नहीं हमने कर लिया, लेकिन अभी हमने POH निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम PH निकालेंगे, जो कि 14 हमें POH घटाने के बाद पता चलेगा। तो PH बराबर आएगा 14 माइनस 11, इसका मतलब 3 आंसर आएगा और विलयन जो होगा वो आएगा अम्लीय। बताओ समझ में आ गया सभी को? सर मैं ये कह रहा था कि आप त्रिकोणमिति निर्देशांक ज्यामिति और बाकी चैप्टर्स का क्लास लाओगे अकॉर्डिंग टू 2024 सिलेबस, बिकॉज ऑफ माय डियर सिलेबस जो है ना वो चेंज हो चुका है, सो इस वजह से मुझे स्लाइड्स में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप एडवांस में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं, वहां पर अभी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जरा सा लाइट जाती है प्रॉब्लम हो जाती है। चलो स्टार्ट करें आगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कि 0.0001 NaOH का मान बताओ। अब यहां पर आया है N, इस N का मतलब क्या है? इस N का मतलब है नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है ये आपको पता चलेगा क्लास 11th में जाकर, आप इसको सिर्फ एज अ मात्रक समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बच्चे इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर मुझे क्या दिया गया है। ये मुझे दिया गया है NaOH, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लाया हूं, और NaOH बराबर ये होगा Na प्लस 1 और OH माइनस 1, या हम जिसको OH माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मेरे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि अतः इस क्वेश्चन में OH माइनस आयन बराबर उसका सांद्रण दिया गया है 0.000, 3 बार है और 1 है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है, कौन कह रहा आवाज नहीं आ रही है? ये कौन है जो कह रहा आवाज? अगर बेटा आवाज आ रही होगी तो मैं तुरंत आपको भी ब्लॉक करूंगा। चलो निपट गए आप। अब बच्चे देखो आगे, दशमलव हटा के हम तुरंत नीचे जीरो बढ़ा लेंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/10^4। और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये घात माइनस में हो जाए, यानी कि इतना हमारा आ गया है ना, यानी कि ये हमारा मान आया OH माइनस आयन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, OH माइनस दिया है तो हम लोग लिखेंगे कि अतः POH बराबर माइनस लॉग बेस में 10, जब OH दिया होगा तो POH निकालेंगे, और इधर लिखेंगे OH माइनस। ये बात समझ में आ गई कि इसका मान सर ने बदल के ऐसे कैसे कर दिया? दशमलव हटा के 4 जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि 1, 2, 3, 4 थे। जब ये 4 जीरो है तो हम इसको 10^4 लिख सकते हैं, क्योंकि मान उतना ही होगा, और 4 को ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया। ठीक, अब यहां से आया माइनस लॉग ये बेस में 10, और इसका मान है 10^-4। ये 4 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और लॉग ये आएगा 10, यहां से आएगा हमारे पास POH। तो बच्चे
पी ओ एच का मान यहां से आया 4 × 1, यानी कि पी ओ एच का मान आया 4। अब चूंकि बच्चों हमें इस क्वेश्चन में हमें पी एच निकालना था, तो हम 14 में पी ओ एच को घटा देंगे, तो 14 में हम 4 घटाएंगे, आंसर आएगा 10। और चूंकि ये हमारा पी एच का मान 10 आया है, इसलिए विलयन हमारा कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए, क्लियर माय डियर? ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने विलयन निकाल दिया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्रिक बताऊं, और ट्रिक मैं नहीं बता पाया, तो बच्चे देखो बताने जा रहे हैं अब ट्रिक। आपको जब कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान दिया हो, जो कि हमें 11 दिया है, तो इसको आप 14 में घटा लेना, आपका पीएच आ जाएगा। जब आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया होगा तो जितनी घात होगी उतना ही पीएच होगा, और जब मेरे बच्चे यहां पर मुझे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया होगा तो हमें जितनी घात दी होगी उसको हम 14 में घटा लेंगे और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस पर नजर मारते हैं। 1 विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमारे पास है 10⁻⁶ m। विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताना। तो ये हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है, आप लोग इसका आंसर बता पाओगे? चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाय रोहन, कैसे हो आप? हमारे साथ रोहन अभी आए हैं, और ये रोहन जी वही हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं पिछले साल, इनका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसका आंसर बताएं प्लीज जल्दी से। हाँ, बच्चे भी हमारे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर 6 होगा, है ना? एक बच्चा बोल रहा है -6 होगा। बेटा पीएच का मान कभी माइनस में नहीं होता, बहुत सिंपल है, इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमें दिया गया है कितना, 10⁻⁶। एम का मतलब क्या है, मोलर, इस एम का मतलब समझ लो मोलर, कंफ्यूज मत होना, बस ये मात्रक है, अभी अभी इतना जानो बस। ठीक है, हल करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चे, पीएच बराबर -log बेस में 10, 10⁻⁶, 6 कहाँ आएगा, आगे प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, log 10 और 10, यहां से आएगा 6 × 1, आंसर आएगा 6। और विलयन कैसा होगा भैया, विलयन कैसा होगा, ये अम्लीय विलयन तैयार हो जाएगा। तो बताओ कितनी बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे, और इन क्वेश्चंस का नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पूरे हमारे ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो भाई जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हमने पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, जितना हमने आपको बता दिया है उतना, अब हमने जितना भी आपको बता दिया वो सब इंपॉर्टेंट था, इतने ही क्वेश्चन पेपर में आते। ठीक है माय डियर, चलो भाई आगे चलते हैं अगली उस पर। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे ऐप पर जाके WPP ले सकते हो। WPP का मतलब होता है वीकली प्रैक्टिस पेपर, और ये वीकली प्रैक्टिस पेपर को दे दिया गया है इस शक्ति बैच को। ठीक है, इस संडे तक, जिसमें 2 दिन का समय आपके पास बचा है, यानी कि 23 जुलाई तक, ये बैच आपको केवल 1750 में मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश मैथ और साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, जिसमें एक बार आने के बाद कहीं ना कहीं आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा, क्योंकि इधर तैयारी बहुत शांति से होगी, आपके डाउट्स दूर होंगे, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट का PDF नोट मिलेगा, क्योंकि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको हर सब्जेक्ट में मेहनत करना होगा, स्पेशली हिंदी इंग्लिश में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो हमारे शक्ति बैच में ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि ओनली 1750 में अवेलेबल है। ठीक है माय डियर, और ये
50% का अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है। 24 जुलाई को ये बैच का प्राइस आपको मिलेगा 2499, जो कि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप सेव कर सकते हो अप्रॉक्स 750 रुपी, कि अगर आप 24 को लोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, नहीं तो फिर 23 को 50% ऑफ है 23 तक, मतलब आज भी, कल भी और 23 को, ठीक है। चलें सर, अगर आप ये बता दो कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है तो रिकॉर्डेड वीडियो से हम तैयारी कर लें। अच्छा चलो, तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। वैसे मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि नया सिलेबस हमारा मैथ का क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा। नहीं तो भाई पूरा सिलेबस का वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। सिलेबस का जो हमारा वीडियो है पूरा मैं बना चुका हूँ, चैनल पर जाके आप देख सकते। सर मुझे टॉपर बनना है, मैं कैसे बनूँ? बेटा अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, ढंग से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत गर्मी। ओके चलो, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर करके जरूर जान। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।